तुझे क्या हुआ, तू है क्यों बेकरार इतना, ऐ दिल बता ये तुझे क्या हुआ, तू है क्यों बेकरार इतना। Hey everyone, welcome back to our channel। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला ये वाला लुक जो कि है पहला बैसाख का लुक मैंने क्रिएट किया है और ये इंडियन लुक भी है। तो आप किसी भी शादी या रिसेप्शन में आप ऐसे रेडी होके जा सकते हो। जैसा कि आप लोग जानते हो पहला बैसाख में ज़्यादातर लोग रेड एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में साड़ी पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन किया है। तो आपको मैं बंगाली जैसी लग रही हूँ या नॉन बंगाली लग रही हूँ मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ, सनस्क्रीन आपको कभी भी स्किप नहीं करना है। एंड याद रहे समर है तो सबसे पहले आपको क्लिनजिंग करना है, देन आपको टोनिंग करना है, टोनिंग के बाद आपको आई स्क्रब करना है, आई स्क्रब करने के बाद भी आप टोनर अप्लाई कर सकते हो, देन मॉइस्चराइजर, देन सनस्क्रीन। ओके, सनस्क्रीन के बाद मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ NYBAE का प्राइमर जो कि है बहुत ही अच्छा सिलिकॉन बेस, एंड आपको टी जोन एरिया में भी अच्छे से लगा लेना है जहाँ पर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्वेट आता है या ऑयल आता है, तो इसे आपको अच्छे से पूरे फेस में लगा लेना है। मैंने लगा लिया, यहाँ पर ऑरेंज कैरेक्टर यूज़ करी हूँ क्योंकि मैंने डार्क सर्कल है, आप जानते ही हो, दिख भी रहा है आपको, सो डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए ऑरेंज कैरेक्टर लगा रही हूँ। बट आपके डार्क सर्कल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ, और ब्यूटी ब्लेंडर आप वेट करोगे तो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसलिए वेट भी कर सकते हो, मैं ड्राई यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर अब मैं अपनी स्किन कलर से मिलता जुलता कलर ली हूँ जो कि येलो टोन में है, उसे मैं ऑरेंज कैरेक्टर के ऊपर अप्लाई कर ली हूँ। और नाउ यहाँ पर अब एलिगर का फाउंडेशन एंड कलर बार का फाउंडेशन मैंने लिया है, तो कलर बार वो यूज़ करेंगे जिनकी फेस ऑयली हो या कॉम्बिनेशन हो। एंड मैंने यहाँ पर एलिगर का इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मेरी इन दिनों स्किन थोड़ी ड्राई चल रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर एलिगर यूज़ किया है। तो यहाँ पर अगर आप डे में निकल रहे हो तो ऑफकोर्स आपको मैट फिनिश चाहिए, तो मैट फिनिश के लिए आप कलर बार का यूज़ कर सकते हो और फिटमी भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अच्छे से इसे ब्लेंड कर रही हूँ, आप वेट करके ब्लेंड करिए, मैं यहाँ पर ड्राई से ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं एज अ हाइलाइटर कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का जो कि मेरी फेवरेट में से एक है, तो ये मुझे बहुत पसंद है, मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में आपने देखा होगा, बहुत अच्छे से ये फुल कवरेज देता है इसलिए मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपको ये लुक थोड़ा सा हैवी दिखे तो आप इसमें से लैश स्किप कर सकते हो और एंड आई मेकअप भी थोड़ा सा हल्का कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, आप देख रहे हो ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए तभी आपका लुक जो है वो फ्लॉलेस आएगा। तो यहाँ पर आज मैं पहले फेस मेकअप कर रही हूँ, देन आई मेकअप करूँगी। कंटोर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का कंटोर। ऑल प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैं एक पतले से ब्रश की हेल्प से जो कि पुणे स्टोर से है, बहुत लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कौन सा ब्रश यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं पुणे स्टोर का ब्रश यूज़ कर रही हूँ। तो इससे मैं अपने फेस को एंड थोड़े से फोरहेड को चिक्स को भी कंटोर कर रही हूँ, कंटोर करना तो बहुत ज़रूरी होता है, एंड कंटोर ब्रश से इसे अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ। तो ब्लेंडिंग आपको अच्छी करनी है। तो यहाँ पर अब मैं मेकअप को सेट करने के लिए रिवॉल्यूशन का बनाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो, मैं बनाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ। नाउ ड्राई स्किन वाले पूछते हैं क्या हम कॉम्पैक्ट यूज़ करें या बनाना पाउडर यूज़ करें, ड्राई स्किन वाले आप बनाना पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो, आपके कितना क्वान्टिटी में यूज़ कर रहे हो ये डिपेंड करता है। तो अब मैं एक्सेस पाउडर को यहाँ पर रिमूव कर रही हूँ, एंड आपको मेरा जो है फेस क्या मेरी आपको हैंड भी वाइट दिख रही होगी क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लाइट इशू हो गया था, मैं फोकस लेना ही भूल गई थी। ओके, नाउ यहाँ पर मैं कलर बार का कॉम्पैक्ट से अपने जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया था ना सिर्फ वहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ कलर बार का कॉम्पैक्ट। ओके, नाउ अब मैं अपने आईब्रोज को ड्रॉ करने के लिए कलर बार का पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, ये थोड़ा सा क्रीम बेस में होता है बट बहुत सुंदर सा ड्रॉ हो जाता है, एंड इसके कलर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरे आईब्रोज का जो कलर है बिल्कुल सूट करता है। तो पहले मैंने ड्रॉ कर लिया, एंड इसी की स्पूली की हेल्प से मैं इसे अच्छे से क्लीन कर रही हूँ ताकि कहीं भी ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो आपको इस तरीके से क्लीन कर लेना है। तो पेंसिल मुझे बहुत पसंद है, बहुत इजी होता है ड्रॉ करने के लिए और काफ़ी जल्दी से ड्रॉ हो जाता है, तो आप लोग पेंसिल से करोगे तो बहुत जल्दी आप लोग ड्रॉ कर पाओगे अपने आईब्रोज को ना। अब फ्रंट पे मैंने थोड़ा सा क्लीन कर लिया ताकि ये थोड़ा नेचुरल दिखे। अब मैं यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का ब्लैक सिंगल पीस आई शेडो से अपने आईब्रोज को उसी के ऊपर जस्ट लगा रही हूँ क्योंकि ये क्रीम बेस है एंड मेल्ट हो सकता है, क्रीम बेस था इसलिए मेल्ट हो जाता और समर का टाइम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पाउडर बेस से थोड़ा सेट कर लिया है एंड आईब्रोज भी हल्का सा डार्क कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का सेम कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपने आईब्रोज को शार्प करने के लिए क्योंकि अगर आप शार्प नहीं करते हो तो देन अच्छा ही नहीं लगता है आपका आईब्रो, आप कर सकते हो ये आपके ऊपर है बट मुझे क्लीन
करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ताकि हमारी जो आईब्रोज है वो बिल्कुल क्लीन एंड शार्प दिखती है। तो इसलिए मैं अपने आईब्रोज को क्लीन कर रही हूँ, और कैसे करना है वो तो आप देख ही रही हैं। तो यहाँ पर अब आपको इसे अच्छे से ब्लेंड करके कॉम्पैक्ट से सेट कर लेना है, या फिर लूज पाउडर से सेट कर लेना है, ताकि क्रीज लाइन ना पड़े। यहाँ पर मैं मिस रोज का ब्लश पैलेट ले रही हूँ, और बीच में जो आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है वो मैं अपने क्रीज लाइन में अप्लाई करूँगी। आज मैं इसमें आई मेकअप दिखा रही हूँ ब्लशर एंड लिपस्टिक से। तो रेड कलर मैं अपने क्रीज लाइन में लगा रही हूँ, जैसे कि मैंने रेड एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन किया है। एंड मेरी जो साड़ी की लेस है वो गोल्डन है, तो मैं थोड़ा सा गोल्डन टच भी दूंगी। और यहाँ पर मैं रेड लिपस्टिक लगा रही हूँ, आप कोई भी रेड लिपस्टिक ले सकते हो। यहाँ पर मैंने फेसेस की रेड लिपस्टिक लगाई है, और इसे एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप देखोगे काफ़ी अच्छा रेड कलर उभर के आएगा, इसलिए मैंने इसमें दिखाया है, क्योंकि अगर आपके पास इंस्टेंट कलर नहीं है तो आप लिपस्टिक से भी आई मेकअप क्रिएट कर सकते हो। मेक श्योर आपके आंखों के अंदर नहीं जानी चाहिए, आप संभाल के काम करोगे। और एवरीडे नहीं करना है, बाय चांस आपने कर लिया ठीक है, बट हमेशा नहीं। अब यहाँ पर क्रीज लाइन को मैं डार्क कर रही हूँ हल्का सा ब्राउन कलर लेके। जैसा आप देख सकते हो क्रीज लाइन डार्क हो चुका है लीड के अकॉर्डिंग, और अब मैं ब्लैक कलर पिक की हूँ। एंड यहाँ पर ब्लैक कलर से हल्का सा स्मोकी आइज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे स्मोकी आइज बहुत पसंद है। आप लोग मुझे अच्छे से जानते हो, अगर फॉलो करते होगे तो, वैसे फॉलो नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। यहाँ पर मैंने लिया है मिस रोज का आई शेडो पैलेट, जो कि शिमरी है और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। आप देखो, जस्ट मैंने टच किया और इतना ज़्यादा पिगमेंटेड आई शेडो है ना, बहुत सुंदर है एंड बहुत अफोर्डेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ब्लशर एंड अभी मैंने जो आई शेडो लगाया दोनों ही काफ़ी मस्त है। एंड यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर अपनी फिंगर टिप की हेल्प से लगाया है, जो कि बहुत पिगमेंटेड है, बहुत ईजिली अच्छे से लग गया है। एंड आप देखो इसमें एकदम उभर के जो गोल्डन कलर आएगा, मैं वो नहीं दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि वो आई मेकअप मैंने ऑलरेडी पहले दिखा रखा है। तो यहाँ पर ब्रश की हेल्प से मैंने उसके ऊपर में हल्का ब्लेंड कर दिया है, तो एकदम से रोज़ कलर का आ जाएगा, रोज़ गोल्ड कलर का आ जाएगा आई मेकअप। एंड यहाँ पर अब मैं अप्लाई कर रही हूँ NYZ का लाइनर, जो कि लॉन्ग लास्टिंग एंड जेड ब्लैक लाइनर है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा रिंग निकालते हुए। एंड अब मैं काजल के लिए यूज़ कर रही हूँ SQ का काजल, एंड काजल ही जस्ट आई लिड पर यूज़ करूँगी, कोई भी शेडो वगैरह से इसे ब्लेंड नहीं करना है, क्योंकि ये काजल आपका अगर स्वेट भी होती है ना, तो ये फैलने वाला नहीं है, मेरी तो नहीं फैलती है। आपने देखा मेरी तो क्रीज लाइन है, फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसे मैं काजल लगाने के बाद एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर ले रही हूँ, ताकि ब्लेंडिंग अच्छे से दिखे, ब्लर दिखे। और यहाँ पर वाइट काजल के लिए यूज़ कर रही हूँ LA गर्ल का वाइट काजल, जिससे कि आंखें थोड़ी बड़ी दिखती हैं। आप ब्लैक काजल भी अप्लाई कर सकते हो। ब्लशर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मोडा का ब्लश, जो कि बहुत पिगमेंटेड है ये भी, और बहुत खूबसूरत सा कलर आता है, बहुत हेवी कलर नहीं आता है, बहुत सॉफ्ट कलर आता है। आप देख ही सकते हो यहाँ पर बहुत सॉफ्ट कलर आया है, जस्ट मैंने रखा, ब्लेंड की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर शिवाना कलर्स की मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, ये भी बहुत बहुत अच्छा हाइलाइटर है, एंड इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आप जस्ट ग्लो देखिए, जस्ट एक बार मैंने पिक किया है एंड इतने अच्छे से ग्लो कर रहा है। बस आपको ये करना है ना, एक बार में रखना नहीं है कोई भी चीज़, ये आई शेडो हो या कुछ भी हो, रखना नहीं है, उसे ब्लेंड करना है। यहाँ पर मैं अपने ब्रो बोन को सेम हाइलाइटर से, शिवाना की हाइलाइटर से कर ली हूँ हाईलाइट ब्रो बोन को एंड इनर कॉर्नर को आईज की। एंड लिपस्टिक मैं फेसेस की यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने आई मेकअप के लिए यूज़ किया था, वही मैं लिप के लिए भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स रेड साड़ी है, तो रेड के अलावा तो और कोई लिपस्टिक इसमें चलने वाली नहीं है। चलने का तो कुछ भी चल सकता है, बट सूट तो करना चाहिए ना, तो यहाँ पर रेड सूट कर रही है, इसलिए मैं यहाँ पर रेड अप्लाई कर रही हूँ, और ये बहुत सुंदर सा लगता है मुझे। एंड यहाँ पर मेकअप सेट करने के लिए मैंने यूज़ किया हुआ है वेट एंड वाइल्ड का सेटिंग स्प्रे, जो कि ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है, 500 के अंडर ही आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पर मैं अपनी ज्वेलरीज को पहन के अपना लुक को कम्प्लीट कर रही हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, बंगाली लग रही है या नॉन बंगाली लग रही हूँ ये भी ज़रूर बताना। नाउ यहाँ पर हो गई है कम्प्लीट, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एटलीस्ट 1K लाइक तो आना चाहिए यार, इतना मेहनत किया है मैंने, तो आप लोग लाइक तो कर ही देना एक तो, अगर अच्छी लगे तो ही। तो या पहला वैसाख के दिन आप ऐसे रेडी हो सकते हो, एंड सनस्क्रीन तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा अगर आप डे में निकल रहे हो। और मेरी टिकटॉक की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।